हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो बताइए कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी बिल्कुल। तो मैं कैसी लग रही, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए गाइस, ये बैठी है इस जाते यहाँ पर लेट रही है, क्यों इसकी तबीयत हो रही है ख़राब। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी फ्रेंड की हल्दी में मेरे जाना नहीं हुआ था, तो आज है उसकी शादी। तो अभी मैं उसके लिए कुछ ना तो गिफ्ट लाई ना ही कुछ, तो मैं सोच रही कि मैं अभी उसके लिए गिफ्ट लेने चले जाऊँ। तो मैं आज जा रही हूँ खतौली, तो आपको दिखाऊंगी मैं खतौली जब जाऊँगी, बाजार दिखाऊंगी आपको कि मैं उसके लिए क्या ले रही हूँ। तो मैं हो गई रेडी खतौली जाने के लिए। तो अभी मम्मी और पापा आएंगे दुकान पर, क्योंकि दुकान पर जब आएँगे मैं तभी जाऊँगी। मैं अकेले जा रही हूँ, क्यों खुशी कह रही थी, खुशी कहने लगी चल तो मेरे भी, तो मैं खुशी कभी ले आऊँगी अपने लिए भी ले आऊँगी। तो अब मैं बस थोड़ी देर में निकलने वाली, जब मम्मी पापा आ जाएंगे तो खाना मैंने खा लिया है, मैंने सुबह खा लिया था। तो मम्मी पापा आने वाले तो उसके बाद में यहाँ से निकल जाएंगे। और लड्डू हमारा गया है स्कूल, क्योंकि वो तीन, मैंने आपको दिखाया था कि वो स्कूल जा रहा, तो तीन चार दिन तक स्कूल जाने लग गया। तो आप बताइए मैं कैसे लग रही हूँ। इतनी खास तो लग रही, पर ठीक ठाक लग रही। तो जब चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे कर जाऊँगी। फिलहाल तो मैं बैठी हूँ दुकान पे, तो मैं पहले पंखा बंद कर दी थी अंदर कमरे में, अब कोई नहीं बैठा, पहले मैं ही थी। मैं वो लल्ला जो काला आएगा वो लौटता था पहले यहाँ पर। तो अब मैं बैठी हूँ थोड़ी देर दुकान पे, जब तक पापा नहीं आते फिर उसके बाद जाऊँगी। मैं पहले बैठी थी दुकान पर, बस थोड़ी बहुत देर आने वाले पापा, कि पापा वहाँ पे नहीं आ काट रहे। और वो जो हमारा दूसरे कमरे में घुस पड़ा था, तो हमने वो कट्टों में भर दिया, अद्धा से अद्धा ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि हम थोड़े दिन के लिए वहीं पर रहेंगे दोबारा, इसलिए वो कमरा हमने थोड़ा खाली कर दिया। वहाँ पर जो तकत था वो बिछा दिया, उसके ऊपर रजाई वो गद्दा बिछा दिया, तो वो सही हो गया। वहाँ पर सफाई कर दी उस कमरे की, क्योंकि हम, मैंने अभी बताया कि हम वहीं पर रहेंगे थोड़े बहुत दिन, सो नहीं जाएँगे वैसे, तो इधर ही रहेंगे, क्योंकि दुकान वकान पर जो काम है तो हम ज़्यादातर इधर जाते हैं। तो थोड़ी देर में चलते हैं खतौली। तो मैं सोच रही पहले लड्डू के यहाँ घूम के आऊँगी, तो जब जाऊँगी तब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो देखिए गाइस, ये यहाँ पर आ गया है काला। अभी तक बड़े वाली मम्मी आई थी, बड़ी मम्मी आई थी तो ये अभी छोड़ दी गई थी यहाँ पे। तो देखिए ये लौट गया करवट लेके। काले निन्नी आ रही बेटी को, देखिए ये जा मेरा। अरे काले सीधा हो जा, सीधा हो, नहीं सीधा नहीं होता, सीधा नहीं होता। काले, ए काले देख, देखी बेटी निन्नी आ रही, अभी तो सो के गया था, अयो अभी थोड़ी देर पहले गया सो के, जैसे फिर नींद लाने लगी। अभी दूध पी के आया, उसका पेट भरा था, अभी से नींद आ रही है, तो अभी करवट लेके पड़ा है, अभी सो जाएगा। तो देखिए गाइस, मैं आ गई हूँ लड्डू के यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है काम वाम करके आराम से लेट मार रहे, और लड्डू जो है स्कूल में रोने लग रहा, तो अभी उसे लेने गए हैं लड्डू को। बहुत तेज तेज हो रहा स्कूल में, तो फोन आया कि लड्डू रोने लग रहा। तो देखिए मौसी बैठी यहाँ, ये अनु है इधर, अनु हाय कर दे बेटा। आंटी जो है आंटी सोने लग रही। तो अब चलते हैं हम खतौली। तुम मैं तो किसी को कुछ मंगाना हो तो मुझे बता दियो। वैसे आंटी ने मुझसे दो बार सिला तो मंगाया, मैं लेके नहीं आई, तीन चार बार काम बताया पर मैंने करा नहीं आंटी ना, जो मैं हर बार जो हूँ भूल जाऊँ। तो अब चलते हैं खतौली, थोड़ी देर में लड्डू आ जाएगा, लड्डू से मिलकर जब जाऊँगी। ये लड्डू आ गया था स्कूल से, रो रहा था, अब ये पैर छू रहा फिर रहा था, उसके पैर 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 छू बिब्बी के, ये बिब्बी के पैर छू रहा। अब मेरे तो छू, मेरे ए लड्डू ना मेरे भी छू लिए। लड्डू कैसा रो रहा था, हाय कर दे। ये लेने लगा टॉफी, लड्डू का बैग है। गाइस अब चलते हैं हम खतौली, मिलते हैं खतौली जाने के बाद। तो हमारी वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत जाना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और फुल वॉच करना, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और मेरे जो इंस्टा आईडी है किट्टू ऑफिशियल 1122 के नाम से उसे भी फॉलो कर लियो, और जो फेसबुक पर आईडी है किट्टू सावरिया के नाम से उसे भी फॉलो कर लियो। तो मिलते हैं थोड़ी देर में खतौली जाने के बाद। तो गाइस ये है खतौली का अंडरपास, तो हम इस अंडरपास में निकल गए अंडरग्राउंड।
मेट्रो में प्रॉब्लम हो रही थी इसमें बनाने में। तो यहाँ पे पता बहुत सारा पानी भर रहा, यहाँ भी तो कुछ भी नहीं है, जब ज्यादा बारिश पड़े है ना इतना पानी भर जाए, हद से ज्यादा, बिल्कुल ऊपर ऊपर तक हो जाए, यहाँ को तो निकल के भी जाते, फिर नहर की तरफ को जावे निकल के। तो ये आ गए हम बाजार में, मतलब गिफ्ट वाले की दुकान पे जाएंगे। तो यहाँ मैं लेने आ गई पेंटिंग, तो मैंने पेंटिंग ले ली थी, तो ये पैकिंग कर रहे हैं, जो ये सामने इधर अभी दिखाऊंगी, ये जो सामने रखी ना ये वाली पेंटिंग ली मैंने अपनी फ्रेंड के लिए, मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने यही ले ली। तो आपको कैसी लग रही प्लीज़ कमेंट में बताना, मुझे गर्मी लग रही बहुत। तो ये बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो देखिए गाइस मैं आ गई हूँ अपने घर पर कटोरी से, मैं जल्दी आ गई क्योंकि मैं जल्दी जल्दी गई थी, अकेले तो मंगाई थी, मंगाई और वापस जल्दी से अपना सामान ले गिफ्ट लेकर आ गई मैं। तब यहाँ पे देखा था यहाँ मम्मी भी सो रही, बाबा भी सो रहे, तो ज़्यादा दुकान पे बैठी थी, लेकिन वो अभी चली गई है बाहर घूमने के लिए। तो अब मैं बैठ गई हूँ वहाँ के, मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद अब मैं बैठ गई दुकान पर, क्यों पापा सो रहे ना, अब ज़्यादा बाहर हो गई। तो अब मैं दुकान पर बैठती हूँ, जब तो मैं आपको शादी का भी ये व्लॉग भी दिखाऊंगी, मैं जब शादी में जाऊंगी ना तब भी दिखाऊंगी आपको, मैं दूसरा व्लॉग डालूंगी इसके, इसमें तो सिर्फ मैं अभी बस गिफ्ट का दिखाना था मेरे को। तो गाइस मैं आ गई हूँ कमरे में, दुकान पर आ गई पापा, तो मैं अंदर आई तो ये काला यहीं लटका था, ये सोने लग रहा था, अब ये उठ गया काले, नहीं ये अपने हाथों से खिले जा, क्योंकि मम्मी लौटी, मम्मी यूँ तैर लगा रही कपड़ों की, लोटे में बैठी हाय कर दे बेटा। तो देखिए मैं और काले दोनों ही साथ, काले काले इसमें गाल नहीं छेड़न दे अपने, बिल्कुल भी गाल ना छेड़न, उसकी जद में लौट के देखो और थोड़ा लौट तो मैं कॉल करती हूं, काओगी काओगे काओगे काओ इरा बिना बिना आ देख क्या करेगा गाल ना छेड़े। तो गाइस आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना, और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और फुल वॉच करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और जो मैंने आपको अपनी आईडी बताई थी इंस्टाग्राम की और एफबी की, इंस्टाग्राम की है किट्टू ऑफिशियल 1122 और एफबी की फेसबुक की है किट्टू सावरे के नाम से, प्लीज़ उनको भी फॉलो कर लीजिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और आपसे मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, प्लीज़ ये ब्लॉग आपको कैसा लगा और मैं कैसी लग रही थी कमेंट में ज़रूर बताना, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, बाय बाय, धन्यवाद।